भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके जो चयन में अवश्य कहीं गलती ना हो जाए। अमित शाह जो हरियाणा का जीत का जिम्मा जिन्हें दिया गया है वो पोस्टरों से नदारद थे, पोस्टरों में उनकी फोटो भी कहीं नजर नहीं आई, तो इसके पीछे क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों पार्टियों में गुटबाजी, और ये गुटबाजी जो कल एक सितंबर को जो रैली जो जींद में हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें भी देखने को मिली। टिकटों के बंटवारे में दोनों पार्टियां जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग साधेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनावों की जो तारीख है वो 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर हो गई है, और 5 सितंबर से जो नॉमिनेशन है वो भरे जाने हैं और 12 सितंबर तक आखिरी तारीख है नॉमिनेशन भरने की। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक जो बड़ी पार्टियां हैं, खास करके बात करूंगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सूची जो है अभी तक जारी नहीं की है। इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है, क्या इसके पीछे कारण है, तो इन सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद राजेंद्र जी। मेरा साहब, जो विधानसभा चुनाव है उनकी डेट चलो पोस्टपोन हो गई है 2-4 दिन के लिए, 1 तारीख थी तो उसकी 5 अक्टूबर हो गई है, तो इसी तरह से नॉमिनेशन की जो डेट है वो 5 सितंबर है और 12 तक नॉमिनेशन भी भरने हैं। लेकिन अभी तक अगर मैं बड़ी पार्टियों की बात करूं, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपनी उम्मीदवारों की जो सूची है वो सार्वजनिक नहीं की है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है उसके पीछे? बड़ा अच्छा विषय है, समसामयिक है। आजकल सभी लोगों की नजरें इस विषय पर बनी हुई हैं हरियाणा में कि कौन सी पार्टी पहले सूची जारी करती है, कौन सी पार्टी बाद में सूची जारी करती है। तो जैसा आपने बताया कि 5 सितंबर से 12 सितंबर तक जो नॉमिनेशन का समय दिया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए, अभी वैसे तो पार्टियों के पास काफी टाइम है नॉमिनेशन फाइल करने का और उम्मीदवारों की सूची तय करने का, लेकिन जहां तक नॉमिनेशन की जो के लिए जो नामांकन की के लिए जो 5 तारीख की बात है और उससे पहले जो सूची आनी है उसके लिए दोनों पार्टियां, कांग्रेस मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, कसम कसम में है। उन्होंने ये इस इंतजार में है कि पहले वो जारी करे, पहले वो जारी करे, पहले कौन जारी करता है उसके बाद हम जारी करेंगे, तो दोनों पार्टियों में इसके पीछे का क्या कारण है, कशमकश क्यों है, पहले आप वाली जो रणनीति है कि क्यों है? ये राजेंद्र जी, अब की बार का जो चुनाव, राजनीतिज्ञ जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि अब की बार का जो विधानसभा का चुनाव है वो मुख्य रूप से जो टिकटों का वितरण है उस पे डिपेंड करेगा। जो पार्टी राजनीति जो जातीय समीकरण साधकर सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के जो पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, निश्चित रूप से उस पार्टी को फायदा मिलेगा, और इसी कसम कसम से एक दूसरे का इंतजार कर रही है सभी की सभी पार्टियां, चाहे रीजनल पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कि पहले भारतीय जनता पार्टी जारी करे फिर कांग्रेस जारी करेगी। तो उन्होंने ये डर है, ये भी डर है कि कहीं ना कहीं जो वंचित हमारे जो रह गए हैं, रह जाएंगे टिकट से, जो वंचित रह जाएंगे वो उम्मीदवार कहीं ना कहीं पाला बदल कर दूसरी पार्टी में, तो उन्होंने दलबदल का और भगदड़ का जो डर है वो दोनों पार्टियों के मन में है। क्या लगता है कि ये जो डर है दोनों पार्टी को, डर जायज भी है कहीं ना कहीं, कौन सी पार्टी जो है वो इन चीजों का, जातीय समीकरणों की बात करें या जो दल बदल है इसका, या मतलब जो भी सिस्टम रहेगा इसके बाद सूची जारी करने के बाद, उसका फायदा जो है वो कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर ले सकती है? देखो, अब जो सबसे ज्यादा फूंक फूंक और कदम रख रही है वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं जो उम्मीदवार हैं उनके जो चयन में हमसे कहीं गलती ना हो जाए। जैसा सभी लोग कह रहे हैं, राजनीतिक लोग भी कहते हैं कि
लोकसभा के जो चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए थे पहले अनाउंस कर दिए थे, और उसके बाद कांग्रेस ने जो जो एक सोशल इंजीनियरिंग और जातीय समीकरण साधकर टिकट दिए, उससे कांग्रेस को फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें गंवानी पड़ी थी। तो इसी डर में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो है ना जो उम्मीदवारों की सूची उसको रोके हुए। हालांकि दोनों पार्टियों ने मुझे लगता है 40-50% उम्मीदवार का जो चयन की जो प्रक्रिया है वो फाइनल कर ली गई है। अच्छा। लेकिन दोनों ने सूची रोकी हुई है। ठीक है। और मुझे लगता है उनमें से 30 या 35 उम्मीदवार कांग्रेस और 30 या 35 उम्मीदवारों की जो एक सूची है वो भारतीय जनता पार्टी भी पहले निकाल सकती है। उसके बाद जो सीटें बसती है ना, जो 40-40 सीटें या 50-50 सीटें बसती है, उन पे जो जातीय समीकरण है वो बहुत काम करेगा। और उसी इंतजार में जो दोनों पार्टियां हैं रुकी हुई, उनकी लिस्ट रुकी हुई है। तो ये पहली लिस्ट तो मुझे लगता है एक दो दिन में आने की संभावना है दोनों पार्टी। बात करें इस समय जो हरियाणा में पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, जजपा, ये बड़ी पार्टियां अगर बात करेंगे इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, टक्कर इन दोनों पार्टियों में है। फायदा किस पार्टी को हो सकता है, कौन सी पार्टी आपको लगता है कि फायदे की तरफ जा सकती है? अभी जो राजनीतिक माहौल है, जो लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल हरियाणा में राज किया है जी, और इस चुनाव में जबरदस्त रूप से भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, उस एंटी इनकम्बेंसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रही है और जातीय समीकरण पे काम कर रही है, ताकि विभिन्न जातियों से एक बल्क में वोट उनको मिले और उसका फायदा हो। यह तो होता ही है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो उसका जो कार्यकाल होता है, उसका जो आप कहेंगे रिपोर्ट कार्ड होता है, वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो है उसको फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, और फायदा जो है जातीय समीकरणों का वो कौन सी पार्टी दे सकती, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जातीय समीकरण का कौन सी पार्टी फायदा ले सकती है, ये तो देखो फायदा नुकसान की जो बात है वो तो मतदान के बाद ही पता चलता है। लेकिन पहले से अब जो टिकटों की हम बात कर रहे हैं, टिकटों के बंटवारे में दोनों पार्टियां जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग साधेंगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार के तो चुनाव वैसे भी जातीय समीकरणों को मद्देनजर रख के ही प्लान किए गए हैं सारे। इस बार का जो चुनाव है वो जातीय समीकरण पे और जो सोशल इंजीनियरिंग पे, उसी के पूरा उसी के आधार पर लड़ा जाएगा, और जो इन जो समीकरणों को साध पाया वो पार्टी फायदे में होगी। अब फिलहाल की हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को जी, उसमें इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा बच रही है, जो उम्मीदवारों के चयन में बहुत बच रही है। हालांकि उन्होंने अभी जो पहली लिस्ट है उनकी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, जो पैनल फाइनल कर लिया, पहला पैनल, उसमें मुझे लगता है 25-30 उम्मीदवार उन्होंने तकरीबन फाइनल कर लिए जी। और जो उनके इस समय जो सरकार में मंत्री है, एक दो को छोड़ के सभी मंत्रियों पे दाव खेल सकती है, और उसके बाद जो कई विधायकों पे भी दोबारा दाव खेल सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 25-30 जो विधायकों की लिस्ट है, कुछ नाम आप बता सकते हैं जो संभावित नाम है, चाहे वो फाइनल ना हो लेकिन जिनके ऊपर लगता है कि पार्टी दाव खेल सकती है, ऐसे कुछ नाम आप बता सकते हैं? राजेंद्र जी, नामों के बारे में जहां तक हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का नाम फाइनल मान के चलो, वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। ओपी धनखड़ है, वो बादली से चुनाव लड़ेंगे, और अनिल विज अंबाला कैंट से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। तो इसलिए इसी तरह रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा। और इसी प्रकार से कविता जैन का नाम
सोनीपत से तकरीबन फाइनल है। इसी तरह से कैप्टन अभिमन्यु को जो नानोंद से पहले भी विधायक रह चुके हैं, नानोंद से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और इसी तरह से राव नरबीर का नाम, हालांकि उस सीट पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन राव नरबीर का नाम माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनल होगा। अभी कुछ हम फाइनल इस बारे में अंतिम संभावित उम्मीदवार है। तो इसी तरह से सुभाष बराड़ा का नाम सामने आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी कही एक दो बार वीडियो में आपने हमारे डिस्कशन में सामने आया कि टोहाना से सुभाष बराड़ा से ज्यादा दमदार उम्मीदवार टोहाना से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है नहीं। इस तरह से कई सारे नाम है जो 25 से 30 नाम है जो भारतीय, ये जो भी नाम आपने बताया ये तो मतलब सब दिग्गज नेता है सारे, और ऑलरेडी सब विधायक रहे हैं साहब के सब। कंवरपाल गुर्जर जी हैं जी, और जी, दूसरे सीमा त्रिखा हैं कई जी, और जी, नेता की बात में बात करें तो ये अभय सिंह यादव जो दो बार विधायक रह चुके हैं, जो दो दो तीन तीन बार विधायक रह चुके हैं, उनके नाम मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी काटेगी नहीं। महिपाल डांडा है, सुभाष सोदा है, आरती राव जो राव इंद्रजीत जी की बेटी है, वो उनका नाम माना जा रहा है। तो इस तरह से जो जो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में जो नाम आ सकते हैं, ये नाम सबसे ऊपर मुझे लगता है। पिछले दिनों एक जींद में रैली हुई जिसमें जजपा के कुछ जो पिछले लीडर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन उसमें एक अलग चीज देखने को मिली कि वहां पे जो पोस्टर्स थे, पोस्टर पे अमित शाह जो हरियाणा का जीत का जिम्मा जिन्हें दिया गया है, उन वो पोस्टरों से नदारद थे, पोस्टरों में उनकी फोटो भी कहीं नजर नहीं आई। तो इसके पीछे क्या लगता है कि जो हरियाणा की राजनीति है इसमें कहीं ना कहीं कोई फूट है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों पार्टियों में गुटबाजी है जी, और ये गुटबाजी जो कल एक सितंबर को जो रैली जो जींद में हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें भी देखने को मिली। उस दिन पहले सभी जो मीडिया के साथी हैं उनमें चर्चा थी कि जो जजपा में के जो पूर्व विधायक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाने के मुद्दे पर, मामले पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वर्तमान में जो ऊर्जा मंत्री है, केंद्र में ऊर्जा मंत्री हैं, उनका मानना था कि जो जजपा के पूर्व विधायक हैं उनको पार्टी में शामिल करवा के चुनाव लड़वाया जाए। और मीडिया में खबरें ये भी आई थी कि जो जजपा के पूर्व विधायक हैं उनको शामिल न करवाने के पक्षधर अमित शाह जी पक्षधर थे। अच्छा, कि उनको चुनाव नहीं लड़वाया जाए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाए, ये एक इश्यू बन चुका था। और इसी मामले को देखते हुए मुझे लगता है कि जो 1 सितंबर को जींद में जो रैली भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उसी इश्यू को देखते हुए दोनों नेताओं ने उस रैली से किनारा करने ही बेहतर समझा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर भी वहां पे नजर नहीं आए, किनारा करना ही बेहतर समझा उसे, ताकि लोगों में ये मैसेज ना जाए कि गुटबाजी है। मेरा सब आपके अनुसार आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के दरमियान जो जजपा के कुछ पूर्व विधायक थे उनको पार्टी में शामिल करने को लेकर मतभेद रहे हैं, जिस वजह से दोनों जो नेता रहे हैं वो जींद वाली रैली में शामिल नहीं हुए। लेकिन इसके ये जो प्रकरण हुआ है कि पोस्टरों से अमित शाह का फोटो ही नहीं मतलब छपा, वहां पे फोटो ही गायब हुआ, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतभेद चाहे जितने भी हों पर ये चीजें पब्लिक के सामने ऐसे समय पर उजागर होना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता? जैसा मैंने पहले बताया कि इन जो जजपा के विधायकों ने कल ज्वाइनिंग की है भारतीय जनता पार्टी, तो जींद की जो रैली में भारतीय जनता पार्टी की जो रैली थी उसमें जजपा के जो 3 विधायकों ने ज्वाइन किया है, तो ये उनकी ज्वाइनिंग एक इशू बन चुकी थी। तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो तो इन जजपा विधायकों को ज्वाइन करवाने के इंटरेस्टेड थे, इच्छुक थे कि भारतीय जनता पार्टी में आए, और कहीं ना कहीं ये तीनों विधायक मुझे लगता है टिकट के दावेदार भी। दूसरी ओर जजपा से के जो पूर्व विधायकों का जो ज्वाइनिंग थी उसके मामले में
जो अमित शाह जी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि जसपा के विधायकों को ज्वाइन नहीं करवाया जाए तो बेहतर है, तो ये एक इशू बन चुका था। इसी इशू को रेज करने के लिए ताकि पब्लिक में ना जाए ये इशू, एक मामला पब्लिक को ना, एक मैसेज गलत ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, उसी से जनता, उसी इशू को जनता से दूर रखने के लिए दोनों नेताओं ने उस जो एक स्तंभ की दूरी बना लेना जायज, दूरी बनाई किनारा किया। हाँ, लेकिन फोटो का ना लगना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। वो तो उनकी भारतीय जनता पार्टी की इसी मामले को लेकर क्या रणनीति रही होगी, वो तो एक जो भी रैलियां होती, जो भी फोटो पोस्टर का जो एक प्रचार होता है वो एक रणनीति की तरह। क्या जसपा के या इनेलो के या कांग्रेस के कुछ और संभावित नाम भी आपको लगते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं? नो डाउट भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो, ताकि लोगों में एक संदेश जाए, एक संकेत जाए लोगों में कि ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, लोगों में ये मैसेज आए। हालांकि ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाले समय बताएगा, पर भारतीय जनता पार्टी की तो यही कोशिश रहेगी। जैसे आज की हम बात करें, जो टोहाना से पूर्व विधायक जसपा के विधायक भी रहे हैं और पूर्व विधायक हो चुके हैं, वो उन्होंने देवेंद्र बबली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इसी प्रकार से और कई जो कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे बड़े कार्यकर्ता हों, चाहे नेता हों, कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी में शामिल किया जाए और उनका भरपूर प्रचार किया जाए, ताकि लोगों में यही बात जाए कि जिस हमारे हमारी पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है। मेरे साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ संभावित नाम जो है उम्मीदवारों के आपने बताए, क्या कांग्रेस के भी कुछ उम्मीदवारों के संभावित नाम आप बता पाएंगे? डेफिनेटली कांग्रेस ने भी अपना जो 25 से 30 जो उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया है, जो अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन अभी जो जारी करने उनका जो नाम, उम्मीदवारी के नाम है जो उनके जारी करने से कांग्रेस भी बच रही है। जैसे मैं बात करूं गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं, वो चुनाव लड़ेंगे। होडल से उदयवान जी हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, और इसी तरह से झज्जर से गीता बुक्कल हैं, और कालका से प्रदीप चौधरी हैं, और जो थानेसर से अशोक अरोड़ा जी का नाम तकरीबन फाइनल, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 600-700 वोटों से ही मार्जिन से हारे थे सुभाष उदा जी से। तो ऐसे जो कई इन जो वर्तमान में विधायक हैं, उन विधायकों के अलावा बहुत से जो पिछले चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार कैंडिडेट थे, जो बहुत कम मार्जिन से, उनका नाम कांग्रेस पार्टी ने अपने पैनल में फाइनल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से 25 से 30, 30 से भी ज्यादा मुझे लगता है उम्मीदवारों की पहली सूची में, कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। दोस्तों, अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि जो भी पार्टी पहले सूची जारी करती है उसको ये डर है कि कहीं उसके जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट ना मिले या जो टिकट से वंचित रह जाए, कहीं वो पार्टी ना बदल ले, कहीं वो गुटबाजी में ना आ जाए, कहीं वो दूसरे किसी खेमे में ना चले जाए। शायद इसी बात को लेकर दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अभी जारी नहीं कर रहे हैं। खैर, आने वाले समय में जो भी होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। सो दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह किसी ना किसी और इश्यू को लेके, किसी ना किसी और बात को लेके चर्चा करते रहेंगे, और आप देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र जी।